यह खबर हर खास और आम के लिए जानना जरूरी है। थ्री इडियट फिल्म की तरह एक युवक ने वीडियो कॉल पर डॉक्टर से मशविरा कर ट्रेन में महिला की डिलीवरी करवा दी। सागर निवासी एवं दिल्ली के नॉर्दर्न रेलवे डिवीजनल हॉस्पिटल में कार्यरत दिव्यांग लैब टेक्नीशियन रियल लाइफ में असली हीरो की भूमिका में नजर आए। सूझबूझ से जुड़े इस कारनामे के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। भोपाल रोड पर मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान गेट के सामने रहने वाले किसान हीरा लाल प्रजापति के छोटे पुत्र सुनील प्रजापति दिल्ली के नॉर्दर्न रेलवे डिवीजन हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। वे रविवार की रात मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति से सागर लौट रहे थे। इस दौरान अलवर से दमोह जा रही किरण अहिरवार को चलती ट्रेन में रात 8 बजे अचानक प्रसव पीड़ा हुई तो वे दर्द से कराहने लगी। इस आवाज को सुनकर पास वाली सीट पर बैठे सुनील प्रजापति ने महिला के साथ सफर कर रहे उसके 18 वर्षीय भाई को अपना परिचय देते हुए कहा कि यदि उन्हें कुछ दिक्कत होती है तो मुझे बताना। इस दौरान उन्होंने फोन पर मथुरा रेलवे अस्पताल के कर्मचारियों को सूचित किया। ट्रेन मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंच पाती इसके पहले ही महिला का दर्द और बढ़ गया, जिसके बाद महिला के परिजन ने लैब टेक्नीशियन को सूचित किया। B3 बोगी में ही कुछ दूर बैठी एक महिला को उन्होंने मदद के लिए बोला तो वह पहले डरने लगी, लेकिन समझाइश देने के बाद उन्होंने हिम्मत की और डिलीवरी कराने शॉल पकड़कर सहयोग किया। इसके बाद सुनील ने दिल्ली में सीनियर सर्जन डॉक्टर सुपर्णा सेन से चर्चा की और ट्रेन में ही वीडियो कॉलिंग के द्वारा उनका मार्गदर्शन लेकर थ्री इडियट फिल्म की तर्ज पर बच्चे की डिलीवरी कराई। ट्रेन में आवश्यक उपकरण नहीं थे तो सुनील ने अपनी नई शेविंग ब्लेड निकालकर बच्चे की नाल काटी और नाल बांध दी। नाल को बांधकर बच्चे को उसके परिजन को सौंप दिया। तो तब मैं कभी भी इनको फोन लगा के गाइड कर ले लेता हूँ कि क्या हो सकता है, कैसे ये सारी चीजें। मतलब एक आदर्श तौर पे रहे हैं जीजाजी। अक्सर भी जब कोई मेडिकल इमरजेंसी फैमिली के तौर पे फंसती थी। किरण अहिरवार के भाई मोहन अहिरवार का कहना था कि 6 साल की एक बेटी के बाद महिला का 3 बार गर्भपात हो चुका है और इस बार नॉर्मल डिलीवरी से तंदुरुस्त बेटा हुआ है। मथुरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर वहां एम्बुलेंस व अन्य डॉक्टर पहले से ही पहुंच गए थे, जिसे वहां के रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमवार सुबह सागर से दमोह जा रहे इस परिवार ने सुनील प्रजापति को धन्यवाद दिया और दमोह रवाना हो गए। सबसे पहले तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी सुनील प्रजापति को। हालांकि वो हमारे मेडिकल बैकग्राउंड से ही हैं, काफ़ी कुछ वो जानते होंगे, सारी प्रोसेस काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी डिलीवरी करवाना हर एक के बस की बात नहीं होती है। हर में एक हिम्मत नहीं आती है कि वो छुएं भी किसी लेडीज़ को। लेकिन ये मेरे को सुनील की बहुत अच्छी बात लगी कि उसने बिना डर के, बिना कुछ सोचे समझे जो परिस्थिति उसने सामने देखी और उसको हैंडल करने के लिए सोचा। इसके लिए मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और यही भावना हर एक में आना चाहिए कि कब किस इंसान को किस मुश्किल में पड़ा है, तो बिना किसी डर के हम उस समस्या को सॉल्व करें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।